हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो में लेके आया हूं, ये हमारे पास बॉच SS मॉडल है ड्रिल बिट्स का, और ये दोस्तों स्पेशली वुड के लिए ही यूज होती है, वुड के लिए ही है। ये मैंने दो ड्रिल बिट्स मंगाई हुई हैं, एक है अपना 10 mm की और एक है दोस्तों 10.5 mm की। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक जो वुड और मेटल जो दोनों में काम करती है, और वुड मेटल प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक भी ऐड कर सकते हो, वो है दोस्तों मिरांडा कंपनी की बिल, जो है मेरे पास 9.5 mm की। तो इन तीनों को हम देखेंगे क्या रिस्पांस होता है, कौन सी हमें बेस्ट लगती है। वुड में जो क्वालिटी है वो तो बॉश की हम चेक करेंगे, मिरांडा में हम जो वुड में होल करेंगे उसको भी हम चेक करेंगे किसका रिस्पांस अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी ड्रिल बिट्स की तरफ। तो ये हैं दोस्तों वो ड्रिल बिट्स जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी पास से। ये वाली है जो दोस्तों, ये हमारे पास बॉश कंपनी की है, ये आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मार्किंग लिखा हुआ भी मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये अपना, ये देखिए आप, ये आपको नजर आ रहा होगा बॉश, ये 10.5 mm, ये दोस्तों 10.5 mm की है। और दोस्तों ये वाली जो ड्रिल बिट है, ये इसमें भी आपको दिख जाएगा, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा बॉश, ये है 10 point, मतलब ये खाली 10 mm के, ये बॉश और SSS मॉडल नंबर। तो चलिए दोस्तों, अच्छा एक और जो मैं आपको बता रहा था, ये दोस्तों थोड़ी पुरानी हो गई, मैंने यूज करी, ये मेरे को मिली थी, ये मिरांडा की, मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गया था, ये मिरांडा कंपनी के, चाहो तो आप यहां से मैं आपको दिखा लेता हूं, पर इसमें आपको क्लियर नहीं नजर आएगा, मुझे भी नहीं नजर आ रहा, आपको हल्का हल्का यहाँ पे मिरांडा नजर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है, तो ये वाली जो होती है ये मेटल और वुड दोनों में यूज कर सकते हैं, और जो ये वाली है ये सिर्फ वुड में यूज कर सकते हैं। तो हम इस तीनों को ही एक एक बार चेक कर लेते हैं लगा के, कि मतलब ये दोनों को और मिरांडा वाली को किसका रिस्पॉन्स ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें ड्रिल बिट यूज करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी अपनी ड्रिल मशीन की, जो कि हमारे पास अवेलेबल है हर बार की तरह दोस्तों, ब्लैक एंड डेकर। मैं दोस्तों यही यूज करता हूं, वैसे तो मेरे पास बॉश की भी है, पर मैं ज्यादातर मैं यही यूज करता हूं, मुझे ये कम्फर्ट लगती है। खैर सेम ही है दोनों, ब्लैक एंड डेकर भी है और ये दोनों सेम ही है, तो इसको बॉक्स को रखता हूं साइड में। तो सबसे पहले दोस्तों, ये इसमें हम पहले लगाएंगे दोस्तों, ये हम ये 10.5 mm, तो हम 10.5 mm पहले लगा रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में अपनी मैं बताता हूं, कभी भी आपको वुड में होल करना हो या मेटल में होल करना हो या प्लास्टिक में, तो हम हैमर मोड यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल मोड चलाएंगे। हैमर मोड यूज होता है दोस्तों, वो सिर्फ होता है हमारा कंक्रीट पे, यानी कि दीवार पे, उसी पे ही हम यूज करते हैं हैमर मोड को। तो ये टाइट हो गया है, तो ये मैं लगा लेता हूं यहां पे इधर सॉकेट को, और ये मैं रखता हूं, तो अब हम होल करेंगे दोस्तों इस वाले, इसमें ये आप देख सकते हो, ये जो आपको नजर आ रहा होगा नीचे, हम इसको होल करेंगे और हम इसमें बिट्स भी हम तीनों ही लगा लेंगे, एक एक करके बारी बारी हम चेक करेंगे, जिससे ये हमें पता लगता रहेगा कि कौन सी बिट्स का उस पर क्या रिस्पांस आ रहा है। यहां पे हम लगाएंगे, तो दोस्तों पहले मैं यहां पे लगाऊंगा, फिर एक एक करके मैं जगह बदलूंगा, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमने पहले जो होल सॉ कटर कर बनाए थे उसके लिए हमने किया था। तो चलिए मैं इसको यहां करता हूं, दोस्तों इसका रिस्पांस तो काफी फास्ट नजर आ रहा है मुझे पहले से, मतलब आई थिंक वाकई में बॉश का मॉडल बहुत अच्छा है। एक और ट्राई लेते हैं हम इसी वाली बिट से, वाह
काफी अच्छा रिस्पांस है। अब हम इस बिट को चेंज करते हैं, बिट लगाएंगे हम, ये 10.5 एमएम की थी, अब लगाएंगे 10 एमएम। तो दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर ली है अपनी इसमें 10 एमएम वाली, तो ये आपने देख लिया, दो हमने इसके करेंगे, अब हम करेंगे 10 एमएम के। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि दो सेकंड भी पूरे नहीं लग रहे, 2 सेकंड या 3 सेकंड। ये देखो आप, ये मैंने यहां रखा, देख रहे हो, जबकि ये जो बोर्ड है, ये जो अपना ये डोर बोर्ड है, ये आप मान के चले कि ये यहां से अगर मैं देख के देख मुझे लग रहा है तो दोस्तों ये 25 mm है, लेकिन ये जो शीट है इसकी, ये भी दोस्तों इसकी 16 mm है। ठीक है, एक और होल करके देखते हैं इसी से। चलो अब ये तो हमने चेक कर ली बॉश की, अब हम जो मिरेंडा वाली थी जिसकी मैं आपको बता रहा था, जो मेटल में भी यूज होती है और वुड में भी और प्लास्टिक में, तो खैर ये भी यूज हो सकती है, एक बार हम मिरेंडा वाली लगा के देखते हैं। तो ये दोस्तों मैंने ये मिरेंडा वाली इसमें लगा ली है बिट, ये आप देख सकते हो, ये मेटल और हमारी वुड और प्लास्टिक तीनों में काम करती है। तो इसको भी देख लेता हूं मैं, इसका क्या रिस्पॉन्स है, इसको मैं यहां लेता हूं, ये किधर, तो दोस्तों ये बिट जो काफी हीट हो गई है, लेकिन होल इसने नहीं किया है, मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूं। दोस्तों होल तो हो गया है, टाइमिंग भी आपको पता लग गया, काफी टाइम लिया है इसने, यानी कि ये हमारी सक्सेस नहीं है। और इसमें से आप देख रहे हो धुआं भी आ रहा है बिट्स के अंदर ही, आप देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट हो गई है। तो वही है दोस्तों, अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो मुझे तो सबसे बेस्ट वॉच ये जो हमने लगाया, हमने जो पहले जो लगाई थी 10 mm और 10.5 mm बॉस SS, वो मॉडल बेस्ट है। बाकी ब्रांड मुझे दोस्तों खास नहीं लगा, कुछ तदंदार नहीं है। तो मेरे को तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट लगी मेरे को तो दोस्तों ये अपना बॉश वाली बॉच SS, ये मेरे को बेस्ट लगी है। बाकी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो दोस्तों देखो वैसे मिरेंडा जो है, ये जो आप देख रहे हो, इसने इसलिए टाइम लगा कि मोस्टली ये जो यूज होती है ना, ये दोस्तों मेटल के लिए यूज की जाती है, और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये काफी मैं यूज में कर चुका था, बस मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। और इसका जो ऊपर का आप ये जो टॉप देख रहे हो, ये भी इसका थोड़ा सा ब्लैक हो गया, यानी कि ये घिस चुका है। चलो मेटल में तो खैर काम करेगी। अच्छा हम बात अगर हम प्राइस की करें तो दोस्तों ये जो 10.5 mm वाली है, ये वाली सिंगल बिट मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये सिंगल बिट आई मेरे को मिली है बॉश की ओरिजिनल ब्रांडेड के साथ, ये मिली मुझे 140 रुपीज की, और जो 10.5 mm है ये मिली मुझे 150 रुपीज की। तो ये तो हुई इसकी बात। बाकी अगर हम रेट की बात करें तो जो दोस्तों ये मिरेंडा वाली है, ये 180 रुपीज की, क्योंकि ये दोस्तों मोस्टली ये हार्डवर्क जो होता है इसका, ये यूज में आती है ज्यादातर ये अपना मेटल में, तो इसके इससे मैंने बहुत यूज किया है। एक बार मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगा इसके लिए पर्पज के लिए, इसका इसका ड्रिलबिट सेट आता है, तो न्यू सेट के संग मेटल में किस तरीके से काम करती है। अभी जैसे आपने देखा मैंने वुड में होल इस वाली से किया तो कितना टाइम लिया, क्योंकि एक तो मैंने बताया ना टॉप इसका, अभी जैसे मैं बता रहा हूं टॉप घिस चुका है इसका, और स्टार्टिंग में जब मैं लाया था जब मैं इसे, तो ये मेटल में तो करती थी, वुड में लगा लो कि 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर पार। तो बाकी बॉश दोस्तों बॉश ही है, बॉश की तो आपको पता ही है, उसकी तो बात ही अलग है, जो ब्रांडेड है ब्रांडेड ब्रांडा भी है, लेकिन बॉश की थोड़ी ज्यादा हम उसको कहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए,
और दोस्तों इसकी जो मैं ड्रिल बिट्स, एक मैंने वीडियो बनाई थी जो अपना किसकी थी, हाँ जो अपना वुड लॉक, एक वुड होल सॉ लॉक होता है, वो वीडियो का आपको आई बटन में लिंक मिल चुका होगा वो। और दोस्तों एक होता है वुड फ्लैट ड्रिल बिट, जो जैसे 20 mm, मैंने तो दो की बनाई थी दोस्तों, एक 25 mm की थी और एक दोस्तों 20 mm की थी। आने को तो दोस्तों उसमें 38, 48, 64 mm तक की आती है, वो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं दो बना चुका हूँ, वो भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो ये बॉश, ये सॉरी, ये जो ब्लैक एंड डेकर की मशीन यूज कर रहे थे, इसका बेस्ट बाय लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी से अगली वीडियो में,